क्लास टेंथ ट्राइंगल बीबीटी थ्योरम पहले कर चुके हैं, अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीबीटी थ्योरम। ठीक है, ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड, दोनों साइडों को कोई लाइन अगर डिवाइड कर रही है, ठीक है, ये डिवाइड कर रही है, ठीक, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशो, बिल्कुल सेम रेशो में, बराबर बराबर रेशो में। ठीक है, जैसे ए इसका नाम ले दो, क्या नाम ले दो, डी, ऐसे दे दो ई। ठीक है, तो ए बी को ए डी डिवाइड कर रही है, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, और ऐसी इधर की साइड को ए सी को डिवाइड कर रही है, ए ई और ई सी, तो इस सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, तो अब ये कह रहा है कि देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो जो लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, डी ई किसके पैरेलल होगी, बी सी के। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है ना, ये तो हमें गिवन है भाई, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल किसके, बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, ये हमें पैरेलल कर प्रूव करनी है। ठीक है, जबकि थेल्स थ्योरम में क्या प्रूव करा था हमने, ये दोनों क्या करे थे, ये हमने प्रूव करा था उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका उल्टा है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करें, देखो एक चीज़ करना है हमें कि हम मान लेते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, हमने करी ये लाइन, एक और लाइन इसके बराबर में खींच ली, इसको मान लिया एफ। ठीक है, ये एफ मान ली हमने, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स एज्यूम दैट डी ई नॉट पैरेलल, ठीक है, बी सी किसके, बी सी के। मतलब हमने ये मान लिया कि अभी इस टाइम पे डी ई जो है बी सी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें, नाउ ड्रॉ अ लाइन डी एफ, मतलब डी एफ को हमने अब पैरेलल माना है। ठीक है, डी एफ को पैरेलल माना है, तो ये क्या हो गया कि अब इस टाइम पे डी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, हमने क्या माना कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, हम मान रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है। ठीक है, तो अब इससे लेकर एग्जूम करते हैं, इसको कैसे करेंगे, देखो जब हमने ये माना कि ये पैरेलल, तो इसका मतलब क्या होगा, ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या देखा, अब किससे करेंगे भाई, थेल्स थ्योरम से, कैसे करेंगे, थेल्स थ्योरम से हम करेंगे इसको, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, क्या करेंगे, ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, किससे, बाय बी पी टी। ठीक है, बाय बी पी टी, ये हो गई क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, अब क्या करें कि एक चीज हमें गिवन है, देखो ऊपर हमने लिख रखा है, यहाँ पे क्या गिवन है हमारा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या थी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये गिवन है हमें, तो ये गिवन है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, दोनों इक्वेशन अब देखो यहाँ पे, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, तो और इधर क्या है, ए एफ अपॉन एफ सी, इधर क्या है, ए ई अपॉन ई सी, तो ये लाइन कैंसिल हो गई। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि देखो ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, ए एफ अपॉन एफ सी, और किसके बराबर हो गया, इजिकल टू ए ई
अपॉन ई सी, ठीक है भाई, दोनों साइड हैं ये इक्वल हैं, ये आपस में ये बिहिकल हो गई, ठीक है। अब हम क्या करें, एक काम करते हैं, हम दोनों साइडों में ऐड करते हैं वन, तो बाई एडिंग वन इन बोथ साइड साइड, ठीक है, करते हैं ऐड। तो क्या करें हम, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस का वन इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस का वन, ठीक है। तो अब क्या करें, आगे चलते हैं। तो मैं क्या करूं, अगर इसके नीचे वन मान लूं और इसके नीचे भी वन मान लूं तो क्या होगा, एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ सी, तो ये एफ सी यानी कि ए एफ प्लस का एफ सी बन जाए, एफ सी ठीक है, इजिकल टू ऐसे इधर हो जाएगा ई सी, ये क्या होगा ए ई प्लस का ई सी, ठीक है, दिख रहा ना। तो अब क्या होगा, देखो ए एफ प्लस का एफ सी, यहाँ देखो ए एफ प्लस का एफ सी क्या हो गई, पूरी पूरी मिला गया, ये पूरी क्या हो गई, दिख रहा ना, ये पूरी क्या लिखेंगे हम, इसको हम पूरा लिखेंगे ए सी, ठीक है, ए सी लिख देना, ए सी अपॉन एफ सी इजिकल टू, और इसको क्या करें, ए अपॉन ई सी, इसको क्या भी लिखेंगे, इसको भी ए सी लिखेंगे, ए सी अपॉन ई एफ सॉरी ई सी, ठीक है, ए सी से ए सी कैंसिल, बचा कितना, वन अपॉन एफ सी इजिकल टू वन अपॉन ई सी, ठीक है, बंदा ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया हमारा ई सी इजिकल टू एफ सी, ठीक है, यानी कि देखो ई सी और एफ सी इतना और इतना दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, दोनों जब बराबर हो सकते हैं कि दोनों पॉइंट एक पर ही लाई करते हों, ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हों, ठीक है ना भाई, समझ में। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल है, देन व्हेन ई एंड एफ इन सेम पॉइंट, ठीक है ना, सेम पॉइंट, जब दोनों ही सेम पॉइंट पे हो, तो यानी कि जो हमने पहले क्या एज्यूम करा था, हमने ये करा था कि जो दिख रहा ना डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के, भाई हमने माना कि डी एफ पैरेलल है बी सी के, ठीक है, और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये डी और ई e, ये सॉरी एफ और ई e, दोनों एक ही पॉइंट है, तो यानी कि इसे हम ये तो लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, यही तो प्रूफ करना था हमको, समझे ना, समझे भाई, यही तो प्रूफ करना था कि हमने जो एज्यूम करी थी वो पॉइंट और ये एफ और ई दोनों सेम पॉइंट पर है, ठीक है, तो ये हो गया हैंस प्रूफ, समझा ना, ठीक है, समझा गया, तो यही तो था प्रूफ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे।